For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. सचा सौदा गॉडमैन गुरमीत राम रहीम और उनकी अडॉप्टेड डॉटर हनीप्रीत के बारे में चर्चा तो खूब चल रही है और लोग इन दोनों के बारे में जानने के लिए बेताब है। वेल, ऐसे में हमारे हाथ आई हनीप्रीत की एक सालों पुरानी डायरी, जहां उन्होंने बॉलीवुड के सुल्तान सलमान से अपने प्यार का इजहार किया है। जी हाँ, हनीप्रीत सलमान से काफी ऑब्सेस थी और उनके पास सलमान की काफी सारी पिक्चर्स का कलेक्शन भी था। हालांकि उनकी डायरी में शाहरुख और आमिर खान की भी पिक्चर्स थी, मगर देखकर साफ पता चल रहा था कि सलमान उनके क्लियर फेवरेट है। इतना कि हनीप्रीत ने सलमान के लिए लव पोएम्स और कोट्स भी लिखे थे। वेल, अब सलमान का इस बारे में क्या कहना होगा? एनी गेसेस हमें जरूर बताएं। खान इन दिनों फिल्मों के अलावा सोशल सर्विस में भी बिजी है। जी हाँ, बिग बॉस 11 के होस्ट के बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के बारे में तो सभी जानते हैं। और हाल ही इस एनजीओ ने संगरूर डिस्ट्रिक्ट में एक आई कैंप ऑर्गेनाइज किया, जिसे 1200 लोगों ने अटेंड किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कैटराक्ट पेशेंट्स के ऑपरेशंस भी किए। कुछ महीनों पहले सलमान खान के बीइंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन ने एक हार्ट डिजीज से सफर करते हुए बच्चे के इलाज में भी हेल्प की थी। सिर्फ भाई ही ऐसे काम कर सकते हैं। टाइगर जिंदा है में भी सलमान ने कुछ हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस किए हैं, जिसे देखकर हम उनसे काफी इम्प्रेस होंगे और उनके इस बीइंग ह्यूमन एक्टिविटी ने भी हमें इंस्पायर कर दिया है। और आपको सलमान खान फिलहाल टाइगर जिंदा है का क्लाइमैक्स शूट कर रहे हैं, जिसके बाद वो रेस 3 की शूटिंग शुरू करेंगे। रेस 3 में सलमान अपने किक को स्टार जैकलिन फर्नांडिस के साथ नजर आएंगे। किक की बात करें तो इस फिल्म ने सलमान के डिपिंग कारियर को रिवाइव किया है और अब काफी समय से इस फिल्म के सीक्वल के आने की खबर चर्चा में है। वेल, डिटेल्स के साथ हमें पता चला है कि इस फिल्म की शूटिंग अगले साल शुरू हो रही है और ये फिल्म क्रिसमस 2019 में रिलीज होगी। वेल, किक स्टार के फैंस इस हिट जोड़ी को एक बार फिर सीक्वल में देखने के लिए काफी एक्साइटेड है, मगर अब हमें पता चला है कि जैकी इस सीक्वल का हिस्सा नहीं होगी। वेल, मेकर्स इस फिल्म में एक फ्रेश पेयर को कास्ट करना चाहते हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि इस फिल्म की लीडिंग लेडी ऐसी हो जिसने पहले कभी सलमान के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर नहीं की हो। रिलायबल सोर्सेस की माने तो उन्होंने फाइनली मनवाला की गर्ल दीपिका पादुकोण को सलमान का लव इंटरेस्ट प्ले करने के लिए अप्रोच किया है। तो है ना ये एक्साइटिंग न्यूज? ऐसे में इस चॉइस के बारे में आपका क्या कहना है हमें जरूर बताएं। पिछले कुछ महीने सलमान खान और कैटरीना कैफ के लिए काफी ग्रूलिंग थे। दोनों अलिया बाज जफर की फिल्म टाइगर जिंदा है की शूटिंग में बिजी थे। ये फिल्म एक था टाइगर का सीक्वल है। वेल, इस फिल्म में काफी हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस होंगे, जिसके लिए सलमान और कैटरीना ने बहुत मेहनत की है और अब जो शूटिंग फाइनली रैप अप हुई है तो सेलिब्रेशन तो बनता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि सलमान फाइनली अपनी टाइगर बियर्ड को हटाकर क्लीन शेवन लुक में मुस्कुरा रही है। वही कैटरीना भी अपनी थकान को भूलकर खुश नजर आ रही थी। अब टीम की ये पार्टी रेडी पिक्चर्स देखकर आपको कैसा लगा हमें जरूर। हम सब जानते हैं कि दबंग खान सलमान रेस 3 का हिस्सा है और इस फिल्म के लिए सलमान खान पहली बार ऑन स्क्रीन विलन बनेंगे। मगर क्या आप जानते हैं कि सलमान खान ने इस फिल्म को तुरंत साइन नहीं किया था?
इनफैक्ट उन्होंने फिल्म साइन करने से पहले मेकर्स के सामने ऐसी शर्त रखी कि वो मना नहीं कर पाए। बॉलीवुड के सुल्तान ने कहा कि वो फिल्म तब साइन करेंगे जब जॉन अब्राहम इस फिल्म का हिस्सा ना बने। सलमान अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करते। सालों पहले जॉन और सलमान एक वर्ल्ड टूर के दौरान रेम्यूनरेशन को लेकर लड़ पड़े थे और तब से ही सलमान ने जॉन के साथ दूरी बना ली। इस बात को 11 साल बीत चुके हैं, लेकिन सलमान तो भूलकर भी माफ करने के मूड में नहीं है। तो अब जॉन, जो पहले रेस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा थे, अब इस फ्रेंचाइज के बाहर हो चुके हैं। वेल, इस यूनिक कंडीशन के बारे में आपका क्या कहना है हमें जरूर बताएं। सलमान खान अपने अगले प्रोजेक्ट रेस 3 में कम से कम 70% शेयर चाहते हैं। जी हाँ, आजकल एक्टर्स अपने प्रोजेक्ट्स में ज्यादा शेयर्स मांगने लगे हैं और सलमान खान भी इसी लीग को बिलोंग करते हैं। खैर, अगर सलमान ने ज्यादा शेयर मांगा भी तो ये जस्टिफाइड है, क्योंकि वो अपने शेयर का एक्शन भी तो करते हैं। दबंग भाईजान फिलहाल अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर जिंदा है में कैटरीना के साथ दिखेंगे और इस फिल्म में उन्होंने अपने फैंस को प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें बहुत एंटरटेन करेंगे। ऐसे में उनका ज्यादा शेयर मांगना गलत नहीं है। वेल, इस इशू पर आपके कमेंट्स नीचे दिए सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया के और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. सलमान खान की स्पाई थ्रिलर टाइगर जिंदा है जल्द ही रैप अप होने वाली है और फैंस उस फिल्म की झलक देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। वेल, फैंस की इसी डेस्परेशन को पहचान कर फिल्म मेकर अली अब्बास जफर ने रिवील किया कि इस फिल्म का टीजर 27 सितंबर को लॉन्च होगा, यानी कि 15 दिन बाद, और हम तो टाइगर और जोया की अमेजिंग केमिस्ट्री देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। दिसंबर 2017 में रिलीज होने वाली टाइगर जिंदा है एक था टाइगर की कहानी को आगे बढ़ाएगी, जहां टाइगर और सोया एलोप करते हैं। टीम अभी अबू धाबी में फिल्म का क्लाइमैक्स शूट कर रही है, जिसके बाद फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन फेज में एंटर करेगी। तो अब इस फिल्म के टीजर रिलीज डेट सुनकर आपको कैसा लग रहा है हमें जरूर बताएं। कुछ महीने सलमान खान और कैटरीना कैफ के लिए काफी ग्रूलिंग थे। दोनों अली अब्बास जफर की फिल्म टाइगर जिंदा है की शूटिंग में बिजी थे। ये फिल्म एक था टाइगर का सीक्वल है। वेल, इस फिल्म में काफी हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस होंगे, जिसके लिए सलमान और कैटरीना ने बहुत मेहनत की है और अब जो शूटिंग फाइनली रैप अप हुई है तो सेलिब्रेशन तो बनता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि सलमान फाइनली अपनी टाइगर बियर्ड को हटाकर क्लीन शेवन लुक में मुस्कुरा रही है। वहीं कैटरीना भी अपनी थकान को भूलकर खुश नजर आ रही थी। अब टीम की ये पार्टी रेडी पिक्चर्स देखकर आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हाल ही सलमान खान ने फिल्म ट्यूबलाइट के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसे रिफंड करके एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि ये मूव तो एक अनस्पोकन रूल ही बन जाता है अगर शाहरुख खान भी अपनी फिल्म जब हैरी मेट सेजल की ल्यूकवार्म रिस्पांस के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स के लॉसेस शेयर करते। इस इशू पर बीटा एंड सेलेब्स के मिक्स्ड व्यूज है, जहां कुछ लोगों को लगता है कि रिफंड देकर सलमान ने सही किया है, वही अजय देवगन जैसे स्टार्स को लगता है ये मूव सही नहीं है। अजय का मानना है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर पैसे रिफंड करना एक पर्सनल चॉइस है, मगर ये किसी का टेक्निकल हक नहीं है।
अपने रिलेशनशिप के बेसिस पर रिफंड मांगना कभी कभार चल जाता है, मगर किसी स्टार को लॉस का जिम्मेदार मानना सही नहीं है। सिंघम स्टार का कहना है कि अगर कोई फिल्म सक्सेसफुल होकर 100 करोड़ क्रॉस करती है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रॉफिट शेयर करने की बात नहीं करते, तो फिर लॉसेस शेयर करने की डिमांड क्यों? आपको क्या लगता है इस बारे में, हमें जरूर बताएं।